जैसे जैसे बदलते मौसम में गर्मी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे ही नगर क्षेत्र में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप के चलते संक्रामक बीमारियां पैर पसारती जा रही हैं। इस बदलते मौसम में डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियां पूरी तरह पैर पसारती नजर आ रही हैं। शहर के सरकारी चिकित्सालय हो या प्राइवेट चिकित्सालय, सभी पर पीड़ितों की लंबी कतार लगी हुई है। जो मुख्य बीमारियाँ होती हैं वो डायरिया से संबंधित होती हैं, टाइफाइड फीवर है वो होता है, और डेंगू या मलेरिया की जो संभावना जो है इस मौसम में ज़्यादा होती है, और लू लगने के कारण जो दिक्कत हो सकती है वो सभी परेशानियाँ होती हैं। तो इस संबंध में हमारे द्वारा पूरी तैयारी इसमें की गई है। सभी जो चिकित्सालय हमारे प्रशिक्षण निर्देश संबंधित दिए गए हैं, जैसे अगर हम लू की बात करें तो लू से बचाव के लिए जो निर्देश वो दिए गए हैं हमारे द्वारा, और उसके भी पेपर में भी हमारे द्वारा निकाला गया है कि कैसे उस पर बचाव कर सकते हैं, और अगर किसी को लू लग जाती है उसके लक्षण प्रकट होते हैं तो उसका कहाँ उसका उपचार उसका लेना है, कैसे उपचार होता है। इसी तरह डायरिया बहुत चल रहा है, तो मैं जनता से कहना चाहूँगा कि अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क लगा कर रहें, और अगर बाहर का कुछ खाना पीते हैं या खादी भी हमें खाते पीते हैं तो सावधानी बरतें, कोई ऐसी कच्ची या पानी वाली ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है। बच्चों को भी खासकर पानी उबाल कर दें, और जो भी सलाद या इस तरह की चीज़ें हैं वो ना दें। साथ ही पानी, ऐसे जो पानीदार फल हैं वो खाते रहें जिससे कि बॉडी में पानी की कमी ना हो।